उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा आज पूरनपुर पहुंचे थे। उन्होंने यहां एक जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद बिलसंडा पहुंचे, वहां भी उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। डिप्टी सीएम ने पूरनपुर में क्या कहा, किस अंदाज में उनका स्वागत हुआ, आपको अभी उनका भाषण भी सुनवाते हैं। सरकार का संकल्प पत्र उन्होंने बताया, अपनी जो योजनाएं थी सरकार की वो सब बताईं, गोमती मैया से अपनी बात शुरू की थी, गन्ना किसानों की बात की, महिलाओं को 60 वर्ष से अधिक की महिलाओं को मुफ्त यात्रा की बात कही, सुनिए। भारत माता की जय। मैं पीलीभीत में हूं और पीलीभीत के लिए ये बात मशहूर है कि एक पवित्र गोमती नदी का जो प्रारंभ है वो यहीं से होता है। इसलिए मेरे साथ में फिर से बोलो, बोलो गोमती मैया की। बदल गई है, 5 वर्षों में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में काम हुआ है, अपराध का उन्मूलन हुआ है, शिक्षा का विस्तारीकरण हुआ है, गांव गरीब और किसानों के लिए काम हुआ है, ये सपा बसपा माकपा भाकपा इधर का उधर का बंगाल का हैदराबाद का सब मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पा रहे, और उनका कारण है आप ऐसे जो सोने के ऐसा बीजेपी का कार्यकर्ता है वो आज किसी दूसरे पार्टी में आज वो कार्यकर्ता नहीं है। यही विशेषता है हमारी, आज वो 4.9 की दर रह गई है। कारण क्या है? कारण उसी में से है, हमने 1,61,00,000 लोगों को निजी क्षेत्रों में नौकरियां दिलाई, 4.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दिलाई, 3.5 लाख लोगों को हमने निजी जो हमारे निजी संस्थान से जो संविदा के नौकरियां हमने उनको सरकारी नौकरी में संविदा की नौकरी दिलाई। अप्रत्यक्ष रूप में करोड़ रोजगार, लगभग 3 करोड़ जो मध्यम श्रेणी के उद्योग है, जो लघु उद्योग है, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, इनके माध्यम से 3 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। आज हमने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और अपने घोषणा पत्र में हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम आने वाले 5 वर्षों में 3 करोड़ लोगों को रोजगार देने जा रहे हैं, 3 करोड़ लोगों को, और इसमें हर घर के एक व्यक्ति को कम से कम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार मिले, यह हमारा संकल्प है। हमने 5,000 करोड़ रुपया चीनी मिलों के और सहकारी चीनी मिलों को लगाने या उनका विस्तारीकरण करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का हमने उसमें प्रावधान किया है। हम जानते हैं पीलीभीत में भी आपके चीनी मिल की समस्या है, निश्चित रूप में उसके विस्तारीकरण का जो प्रावधान संकल्प पत्र हम लोगों ने जारी किया है वो हमारा संकल्प है कि हम 5,000 करोड़ रुपया जो है वो पूरे प्रदेश में सहकारी चीनी मिलों के लिए और जो चीनी मिलों का विस्तारीकरण है उसके लिए हमने सुरक्षित रखा। मुझे खुशी है कि आपका विधायक बाबूराम पासवान हमेशा यहाँ के गन्ना के किसानों के लिए, यहाँ के चीनी मिलों के लिए संघर्ष करते रहे। मैं विचार बनाता हूं कि आप सब से मैं कहकर जाना चाहता हूं कि चुनाव में मान के चलो कि विजय हमारी होगी, लेकिन हमको अतिविश्वास में नहीं लेना है। 5 साल जो हमने काम कराया है, 700 दंगे हुए थे पिछली सरकार के, चाहे वो दंगे चाहे वो छात्र हिंसा के रहे हो, चाहे वो किसी सामाजिक संगठनों के विवाद के रहे हो, चाहे वो सांप्रदायिक या जातीय दंगे रहे हो, 700 दंगे हुए पिछली बार, 264 दंगे बहन जी के समय उनकी बीएसपी सरकार में हुए, बीजेपी सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। और आज इसीलिए कि अलग 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 जातियों में बांट रहे हैं। मैं यहां आ रहा था, लखनऊ में आज संकल्प पत्र जारी किया गया है, उनसे एक पत्रकार मित्र पूछने लगे, डॉक्टर साहब आप कौन जाती हो? मैंने कहा मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। आपको गर्व है ब्राह्मण होने पर? मैंने कहा आप क्यों मुझसे पूछ रहे हो? मुझे हिंदुस्तानी होने पर गर्व है। बोले और
मैंने कहा अगर मैं हिंदू हूं तो मुझे हिंदू पर बिगर बेहतर में हिंदू हूं, और मैंने कहा और का जवाब तो मेरे पास यही है कि ईश्वर ने जाति नहीं बनाई थी, यही के लोगों ने जाति बना दी। और पहले तो जो क्रिया कर्म से अध्ययन अध्यापन करता था उसको लोग ब्राह्मण कहते थे। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूं, पीलीभीत में तो तमाम मेरे विद्यार्थी यहां होंगे, अभी शायद यहां के पीछे बैठे भी हो तमाम विद्यार्थी जिनको मैंने पढ़ाया। और ऐसे कर्म के कारण मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन आप चुनाव में आप ब्राह्मण ब्राह्मण क्यों पैदा कर रहे हैं? उन्होंने कहा साहब मैं पूछना चाहता हूं ब्राह्मण किधर जाएगा? मैंने कहा यह बात आप हर जाति के लोगों से नहीं पूछते हो क्या? ब्राह्मण जाति नहीं है, ब्राह्मण श्रेष्ठ जीवन जीने की एक प्रवृत्ति का नाम है, जो अपने लिए नहीं सबके कल्याण में अपने कल्याण की भावना को रखता है, जो सर्वे भवंत सुखना सबके सुख में मेरा सुख है यह कहता है वह ब्राह्मण है। और इस बिरादरी को ये विभिन्न प्रकार के तथाकथित आयोजन करके आप भ्रमित नहीं कर सकते। आप कहीं राजपूत को, कहीं लोधी राजपूत को, कहीं आप कुशवाहा को, कहीं आप वैश्य को, कहीं आप किसी और को, जाति जाति में क्यों खंडित करते हो उत्तर प्रदेश को? ये उत्तर प्रदेश बड़े मुश्किल से बना है मेरे भाई, इसने विकास की सुगंध चखी है, अब ये जाति पात के बंधन में मत बन जाना। इस चुनाव में समस्या है, चाहे वो चीनी मिल की नहीं हो, चाहे जो बांग्लादेश से आए वहां के अंतर करते, तो तमाम हिंदू बंगाली आए हैं उनकी समस्या है, उनकी समस्या का निवारण के लिए हम सब लोग मिलकर प्रयत्न करेंगे, जो भी समस्या होगी नियमों के दायरे में उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। यहां चीनी मिलों के संदर्भ में जो समस्या होगी, हमारा संकल्प पत्र ही इस बारे में है कि पूरे प्रदेश के हम सहकारी चीनी मिलों के आधार पर और हम नई चीनी मिलों के विस्तार, जो पुरानी चीनी मिले हैं उनके विस्तारीकरण पर एक नए फंड को हम उसको बनाएंगे, ये हमारा संकल्प है। इसलिए मैं आप सबसे कहने के जाना चाहता हूं कि अब तैयार हो जाना है और इस चुनाव में मतदान ज्यादा हो, क्योंकि षड्यंत्र करने वाले कोई भी षड्यंत्र कर सकते हैं। किसानों पर आधारित काम हमने किया, किसान को सम्मान निधि हमने दिया, घर घर नल पहुंचाने का उपक्रम हमने शुरू कर दिया है, हर घर पर पहुंचेगा। नदियों को जोड़ने के लिए 44,000 करोड़ रुपए का बजट केंद्र सरकार में उत्तर प्रदेश के लिए हमारे समय आया है। गांवों में बिजली 18 घंटे से 22 घंटे का काम हमने किया है, शहरों में 24 घंटे बिजली हो हमने किया है। महिलाओं की इज्जत बच सके, उनका सम्मान रहे, उनके घरों में शौचालय का निर्माण, इज्जत घर हर घर में गांवों में बन सके उसकी व्यवस्थाएं हमने प्रारंभ करी है। गांवों में भी मकान और शहर में भी मकान गरीबों को हो सके इसकी व्यवस्था भी हमारी सरकार ने करी है। गैस का चूल्हा आज करोड़ों में गांव में पहुंचा है, और आज तो हमने संकल्प पत्र में लिखा है, माननीय अमित शाह जी संकल्प पत्र को आज जारी कर रहे थे कि जिनको भी गैस का चूल्हा दिया है अब उनको दिवाली और होली में मुफ्त में गैस का सिलेंडर मिलेगा। इसका हमने कहा, हमने संकल्प पत्र में यह भी कहा है कि 60 साल से ऊपर की महिलाएं हैं उनको फ्री में बस में यात्रा करने का काम वो मुफ्त में बस में यात्रा करेंगे। हमने आज ये भी संकल्प लिया है कि जो गांव में सिंचाई की व्यवस्था है किसानों की, उसमें बिजली का 1 रुपया नहीं लिया जाएगा, बिजली फ्री होगी, ये गांव में हमने निश्चय किया है। और जो हमारी बेटियां इंटर पास करके कॉलेज में जाएंगी, मेधावी छात्राएं जो होंगी मेधावी, उनको हम एक एक स्कूटी भी देंगे, स्कूटी भी फ्री में देंगे, उनका भी काम किया। और जो मेधावी बच्चे और होंगे उनको जो हमने पहले कहा था 1 करोड़ मोबाइल और टैबलेट देंगे, अब हम उसको हमने कहा 2 करोड़ मोबाइल और टैबलेट देने का काम हमारी सरकार करेगी। हमने हर तरफ हर घर में एक नौजवान को रोजगार मिले उसकी व्यवस्था किया है। ये सपा बसपा